जी, ये रैली किस लिए आयोजित की जा रही है, इस बारे में जानकारी है आपको? जी, नागरिकता संशोधन बिल और NRC के संबंध में बताने के लिए की जा रही है। जनता को समझा रहे हैं कि नागरिकता संशोधन पड़ोसी देश के लिए, जो 125-125 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं है जी। इसमें अपना एक भी रोल नहीं है, मतलब कि इसमें आम जनता को उसमें बिल्कुल भड़काने की, या किसी मतलब कोई भड़काता है या कुछ भी अपना जवाब देता है कि जे NRC का NRC से मतलब कि आपके बाप दादाओं को अपना जन्म प्रमाण पत्र लाना पड़ेगा, फिर रजिस्टर्ड होगा। जो पड़ोसी देश के लिए किया जा रहा है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्ला के लिए किया जा रहा है। इसके द्वारा जो है तो क्या नियम बनाए गए हैं या क्या संशोधन किया गया है, पहले क्या चीज़ें थी अब क्या परिवर्तन हुए हैं? जो 1971 से 2014 तक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्ला से जो आ चुके हैं जी, उनको नागरिकता दी जा रही है। मतलब उनको जो पाकिस्तान में, बांग्ला में, अफगानिस्तान में रहते रहे, उनको प्रताड़ित करते रहे, उनकी बेटी के साथ, उनकी पत्नी के साथ, मतलब उनको प्रताड़ित करते, इसलिए उनने भारत का रास्ता अपनाया कि भारत में उनको रहा कि कर हमें कोई कुछ नहीं कर पाएगा, भारत के ऊपर अपना भरोसा रहा कि अपन दूसरे देश जाते हैं, अपन दुबई जाएं या कहीं जाएं तो अपन को प्रताड़ित करते हैं जी, लेकिन अपने भारत में रहने देते हैं जी। और ये जो रैली हो रही है NRC की, अपने बात की CAA की बात की आपने, तो जिसमें कई सारे लोग के द्वारा ये आरोप लगाए जाते हैं, कई सारे लोग के ये संदेह हैं कि उन्हें देश से निकाल दिया जाएगा, तो इस बारे में क्या कहते हैं आप? ये तो पार्टी मतलब कि जब तक कि अमित शाह जी ने और प्रधानमंत्री जी ने जब तक कि अपना मेगा शो करे जबूरी मैदान में, रामलीला मैदान में, दिल्ली में, जब तक भाषण नहीं दिया रहा, जब तक जनता को समझ में नहीं आ रहा था, जो 9 दिसंबर के दिन के संसद में, लोकसभा में अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने अपना बजट मतलब पेश किया रहा, तो कहते बिल पेश किया रहा, तो कहते संसद में उपराष्ट्रपति जी ने कहते हामी कहते 10 तारीख दिन भर दी थी, और राष्ट्रपति जी ने 12 तारीख दिन उसमें अपने हस्ताक्षर कर दिए, अंकित कर दिए रहे कि ये कहते लागू हो जाएगा। कहाँ से आए हैं आप? जी, जबलपुर, विजयनगर से। अच्छा, विजयनगर से। क्या करते हैं, आपका नाम क्या है? आशीष पांडे, मैं अभी स्टूडेंट हूँ और BJP का कार्यकर्ता। अच्छा, BJP के कार्यकर्ता। चलिए ठीक, आम जनता के तौर पर मैं कहते चलता हूँ। और जो JNU की, आप चूँकि एक स्टूडेंट्स भी हैं, तो जो JNU में पिछले कुछ दिनों से हो रहा है लगातार, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता है कि छात्रों को एक हमलावर तौर में पेश किया जा रहा है? इसके विषय में ज़्यादा जानकारी तो अभी प्राप्त नहीं है मेरे को जी, लेकिन इसमें मैं तो ये बोलूँगा, जे जो फिल्म स्टार है इसमें अपना समर्थन उनको देने की जरूरत नहीं। फिल्म स्टार एक अपनी इंडस्ट्रीज है, उसमें जैसे दीपिका पादुकोण और फिल्म स्टार इसमें आ रहे हैं जी, तो इसमें इससे दूर रहें। जैसे अभी छपाक मूवी दीपिका की आपने बात की, दीपिका पादुकोण की एक छपाक मूवी आई गई थी, तो उसका बहिष्कार किया गया कुछ विचारधारा के लोग के द्वारा, वो कहाँ तक सही मानते हैं? इतने गंभीर मुद्दे को लेकर के फिल्म बनाई जाती है और फिर उसका बहिष्कार किया जाता है, तो क्या मानते हैं इसको? कई पिक्चर ऐसी रहती है जिसमें जनता को मतलब कि देखने के लिए, मतलब जो पुराने बुजुर्ग हैं उन लोग उस चीज़ को समझते हैं, उस चीज़ को समझते हैं कि नहीं ये पिक्चर नहीं बनना चाहिए, इससे आने वाली पीढ़ी को, जो युवा पीढ़ी है उसमें कहे बहुत दिक्कत जाती है, इसलिए कहे वो उस चीज़ का विरोध करते हैं। तो छपाक मूवी में भी ऐसा ही आपको लग रहा है? मैंने तो अभी जो मूवी देखी नहीं है, मेरे को अभी ट्रेलर। जब आपने मूवी देखी नहीं तो इसके समर्थन या विरोध की बात कैसे आ सकती है? मतलब कि जो मतलब कि कह रहे हैं, मतलब कि उसमें मूवी कई सारी प्रकार की बनती हैं। अच्छा, मतलब किसी ने कहा और आपने मान लिया, ठीक, कुछ इस तरह की बातें? नहीं, मतलब कि हम तो यही बोल रहे हैं कि जब तक अपन को खुद संतुष्टि ना हो, जब तक इस विषय में कुछ नहीं है, इसलिए तो बिना देखे होगी नहीं। और बिना देखे मैं भी बोल रहा हूँ, मैंने अभी पिक्चर देखी नहीं है ना ट्रेलर देखा है, तो इस विषय में कुछ मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं भैया? गजरवारा से। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पे? बस थोड़ा देखने आए, हम भी क्या मिलने आए, मिलने। किससे मिलने वाले? अमित शाह जी से। अमित शाह जी से मिलने आए। अच्छा, तो क्या लग रहा है अमित शाह जी से मुलाकात हो पाएगी आपकी? हो तो नहीं पाएगी, इतनी जनता कहाँ पाएगी, दूर से देखना पड़ेगा बैठ। हम तो गरीब इंसान, हम लोग की कहाँ मुलाकात। अच्छा, तो आप लोग को लाया गया है कि अपने से आए? नहीं, हम लोग आए हैं भैया लोग के साथ, हमारे साथ इकट्ठा होके। अच्छा, जो हमारे इधर के मैन BJP के अधिकारी उनके साथ आए। तो किस चीज़ से लाए गए हैं, किस वाहन से लाए गए हैं, कितने लोग आए हैं लगभग आपके साथ? गाड़ी से आए हम लोग, खुद की। अच्छा, खुद की गाड़ी से। हाँ, कुछ पैसे वैसे भी दिए गए हैं इस चीज़ को लेकर? नहीं नहीं, पैसे नहीं दिए गए हैं, हम लोग सब आएंगे भैया के साथ। हम लोग अपनी सरकार को आगे बढ़ाना चाहते हैं। अच्छा, कुछ करवाना चाहते हैं। नहीं नहीं, जिंदाबाद BJP, जिंदाबाद कह रहे हैं आप। तो ये बताइए कि BJP के कौन से काम आपको बहुत अच्छे लगते हैं, जिसकी वजह से आप BJP जिंदाबाद बोल रहे हैं? मोदी जी का भाषण बहुत अच्छा लगता है, भाषणों से तो पेट नहीं भर सकता। काम भी अच्छे हैं मोदी जी के। जैसे
जैसे 370 हो गया, राम मंदिर हो गया, कई ऐसे मुद्दे हैं जो कि आज तक कोई प्रधानमंत्री ने हल नहीं किए। कोई कांग्रेस सरकार ने कहे, आप लोग देख रहे 16 शौचालय रही 2014 से 2019 तक, कितनी गए 16 शौचालय बनी, पहले रही 370 का हटना देश से, आज तक कोई प्रधानमंत्री नहीं हटा पाया। राम मंदिर कितना मसलन कितना चला, 550 साल से चल रहा, लेकिन इन्हें इतनी 2019 के मैनिफेस्टो में, संकल्प में रहा, इन्हें ऐसा कर दिया, आतिशबाजी ना कुछ करने देते, बिल्कुल शांत वातावरण से, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जरिए राम मंदिर का ऐलान। आपने राम मंदिर के मुद्दे की बात की, राम मंदिर तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा फैसला किया गया, बीजेपी कहाँ से यहाँ पे सामने आ गई? अभी तक निपटा क्यों नहीं, अभी तक फिर नहीं निपटा क्यों नहीं? जय श्री राम। पीयूष अग्रवाल जी, योगी और योगी मोदी हमेशा उनके लिए जान हाजिर है। आप कह रहे हैं कि अभी तक निपटा क्यों नहीं, 2014 में भी बीजेपी की सरकार थी, उससे पहले भी जो है तो गठबंधन की सरकार एक बार रह चुकी है, और अटल बिहारी वाजपेयी के समय में भी सरकार रह चुकी है। इसके अलावा अगर बात करें तो कई ऐसे मुद्दे हुए कि लगातार ये चल रहा था। हम आपको बता रहे हैं कांग्रेस के शासन में एक एक डेढ़ डेढ़ साल में सुनवाई होती रही, मोदी जी के प्रयास में, अमित शाह जी के प्रयास में इसकी सुनवाई विगत 40 दिन में इसकी सुनवाई हुई, 45 दिन के अंदर इसका फैसला राम मंदिर का आया। इस कांग्रेस ने अभी अपनी वोट बैंक के लिए इतना बड़ा फैसला नहीं लिया, ठीक है। और दूसरा अपना आप देखिए, जम्मू से 370 हटाया, जो कांग्रेस कहती रही कि कोई माई का लाल 370 नहीं हटाएगा, वो मोदी जी के नेतृत्व में 370 हटाई गई। मोदी जी किसके लिए कर रहे हैं? गरीब जनताओं के लिए। वो क्यों चोरी करेंगे? मोदी जी चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है कि इटली की आपकी इटली वाली माता जी चोर है, वो एशिया की चौथे नंबर पे सोनिया गांधी इतनी रही शोहरत है, कहाँ से आया इतना पैसा? मोदी जी की माता राम है जो 900 स्क्वायर फुट में मकान में रहती हैं, वो क्यों चोरी करेंगे उसका? अब मोदी जी ने पूरा अपना जीवन राष्ट्र धर्म के लिए लगा दिया है, वो क्यों चोरी करेंगे? लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू की, जिस परिवार से सोनिया गांधी जी बिलोंग करती हैं जी, तो मोतीलाल नेहरू जी के बारे में कहा जाता है कि वो अंग्रेजों के टाइम से पहले से भी काफ़ी एक समृद्धशाली परिवार से थे, और मोदी जी के बारे में बताया जाता है, खुद मोदी जी कहते हैं कि वो एक चाय वाले पिता के बेटे हैं जी, तो प्रॉपर्टी मोदी जी के पास कैसे हो सकती है? वो तो राहुल गांधी के पास ही होने चाहिए ना। राहुल गांधी के पास है ना, राहुल गांधी के पास, प्रियंका गांधी के पास, और राहुल गांधी जी के जो जीजा जी हैं जी, रावत वाड्रा जी, वो गरीब जनताओं के, किसानों की जमीन जो जमीन घोटालों के बहुत बड़े मास्टर माइंड हैं। राहुल गांधी जी अपने जीजा जी को नहीं सब बोल रहे हैं जी। वो बोल रहे हैं कि चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर नहीं, आपका जीजा चोर है। तो और जेल में क्यों नहीं डाला जाए? जेल में क्यों डालेंगे? सबका समय आने वाला है। अभी लालू जी गया ना, अभी आजम खान का नंबर है, अब सब धीरे धीरे सबका, जितने जो देशद्रोही ना, जो मतलब राष्ट्रहित के लिए काम नहीं कर, सबका नंबर आएगा। सब्र रखिए, ये बिना जी 4 साल 5 साल ना 24, ये 24 तक सब जाएंगे जेल। एनआरसी के बारे में थोड़ा सा जानना चाहते हैं आपसे, जैसे जनता में देश भर में काफ़ी सारा असंतोष है और कई सारे लोगों के द्वारा भ्रांतियां हैं, उस भ्रांतियों को दूर करें आप थोड़ा सा अपने साथ। ये भ्रम फैलाया जा रहा है, मोदी जी ने आज भी पश्चिम बंगाल में रैली की है, मोदी जी ने आज भी की है अपना, आज भी उन्होंने बोला है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये नागरिकता देने के लिए ना कि नागरिकता लेने के लिए है। ये सिर्फ वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, ये विपक्ष वोट बैंक की राजनीति के लिए, अपना उल्लू सीधा करने के लिए ये मुसलमानों को और इनको जनता को भड़का रही है। ऐसा कुछ भी नहीं है, मोदी जी बोल चुके हैं और हम भी बोल रहे हैं, हम फुल समर्थन करते हैं CAA का, NRC का, ठीक है। एक मिनट, मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, जो आप बात बता रहे हो CAA के लिए बता रहे हैं, सीनियर सिटीजन एक्ट जी, सीनियर सिटीजन एक्ट नहीं है, सिटीजन हाँ अमेंडमेंट एक्ट है, नागरिकता संशोधन, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट है, जो सिटीजन अमेंडमेंट बिल था CAB जिसे पहले बोला जाता था, और विधेयक पारित होने के बाद वो एक्ट बन गया, तो CA वो है। और हम आपसे जो सवाल पूछ रहे हैं वो CAA को लेकर के नहीं है, हम NRC के बारे में आपसे सवाल पूछ रहे हैं। NRC के बारे में हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, ठीक है, और कुछ नहीं पूछना है आपको। और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार है पिछले एक वर्ष से, कई सारे लोक लुभावने वादे किए गए थे, स्थितियाँ कुछ लोगों के द्वारा विरोध पे हैं, कुछ किसानों के द्वारा कहा जा रहा है कर्ज माफ नहीं हुआ, तो इस बारे में क्या आप कहते हैं?
किसानों का भी आक्रोश है, कर्ज माफ़ी नहीं हुआ है, और दूसरा चीज़ अपना बेरोजगारी भत्ता चार हज़ार तक का उन्होंने बोला रहा, वो भी नहीं दिया गया है, सिर्फ हवाबाजी बस चल रही है उन्होंने की, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। उनका क्या बोलते हैं, मध्य प्रदेश की जो जनता है वो भी पछतावा कर रही है कि कहाँ से आ गए, इससे अच्छा तो शिवराज जी सरकार थे। आप कहाँ से आए हैं भैया? जबलपुर के। अच्छा, बिजली के बिल को माफ़ करने की बात की गई थी कमलनाथ जी के द्वारा, कहा गया था जी धन्यवाद, कहा गया था कि 100 रुपये बिल आएगा, क्या ये सच है, सही आ रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है जी। कितने रुपए बिल आ रहा है लगभग आप लोग का? 200-300 ऐसे, 350-400 ऐसे बिल आता है। और बीजेपी की सरकार में और कांग्रेस की सरकार में क्या फ़र्क देख पा रहे हैं आप लोग? थोड़ा सा ये फ़र्क देख रहे हैं इस पे कि जो गरीब आदमी रहे उनको मकान कच्चे मकान थे उनको दिए जा रहे, बस इतना सा फ़र्क हमें दिखाई दे रहा। मतलब कांग्रेस की सरकार में दिए जा रहे हैं कि बीजेपी की सरकार में दिए जा रहे हैं? ये तो राजनीति दल है, दोनों सरकार मिली जुली सर पार्टी है, समझ गए, इस पर विरोध किसी का नहीं करेंगे, समझ गए। इसके लिए हम ये बोलते हैं मिली जुली सरकार है, सब मिल एक शासन चलाना चाह रहे हैं ये लोग, और बीजेपी को एक तरफी से खड़ा करवा रहे हैं, एक तरफी से कांग्रेस वाले खुद खड़े हो रहे हैं, जिसे मिली जुली सरकार थी। अच्छा, तो मतलब सरकारों से संतुष्ट हैं आप काम से? संतुष्ट तो नहीं है, गरीब आदमी परेशान है, जिनके मकान टूटे हैं वो लोग टपरिया बना के रह रहे हैं, झोपड़ा बना के रह रहे हैं, परेशानी में है, दिक्कत में है, और कुछ नहीं है। तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तो सबको मकान देने की योजना है, तो क्या आपको ये नहीं मिल रहा है? अभी तक तो नहीं मिला, अगर मिल जाता तो अच्छी बात होती। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट CAA के बारे में जानते हैं आप? जी नहीं जानते। NRC के बारे में? उसके बारे में भी कुछ नहीं बोल पाएंगे जी। जी, पुर के कुछ युवा हैं जो छात्र भी हैं जी, और इनसे हम कुछ मुद्दों को लेकर के बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि JNU में पिछले कुछ दिनों से जो एक तरह से जो तो चीज़ें चल रही हैं, वो छात्र जीवन के लिए, एक स्टूडेंट के लिए या एजुकेशन के लिए कहाँ तक सही या गलत है? मेरी नज़र से आंदोलन होने चाहिए, आंदोलन अच्छी चीज़ है, लेकिन देश के लिए आंदोलन होना अलग बात है, देश के खिलाफ आंदोलन होना गलत बात है। अगर आपको किसी चीज़ की विचारधारा से समस्या है तो आप उसको अपनी बात रख के समझा सकते हैं, किंतु तोड़ फोड़ करना, आगजनी करना, या पुलिस के ऊपर पथराव करना, या जो वहाँ पे शिक्षा के स्टूडेंट जो वहाँ पढ़ने गए हैं, पढ़ाने गए हैं, उनको आप मारना, ये मैं नहीं सोचता कि ये कोई आंदोलन है जी। और JNU में जो अभी कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले ये हुआ है जी। इसके हम भी छात्र हैं, हम लोग भी छात्र नेता हैं, हम लोग इसका कड़ी निंदा करते हैं, ये नहीं होना चाहिए। आप अपनी बात रखिए ना, VC के सामने अपनी बात रखिए। पिछले दिनों जब VC आपसे पूछने गया, JNU के छात्रों से पूछने गया कि आपको क्या समस्या है, तो आप VC के ऊपर हाथ उठाने के लिए तैयार होकर VC को मानने लगे रहे, ये कैसा छात्र आंदोलन है भाई, ऐसे छात्र आंदोलन नहीं होता। द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए द खबरदार हिंदी न्यूज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।